चंडीगढ़ सेक्टर 30 स्थित काली माता मंदिर के अंतर्गत ब्राह्मण सभा का आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष रविंदर कुमार शर्मा उपस्थित रहे। रविंदर कुमार शर्मा ने काली माता मंदिर के ब्राह्मणों को सम्मानित किया एवं ब्राह्मण एकता पर ब्राह्मणों को संगठित करने का संकल्प लिया। सरकार द्वारा सम्मान अधिकार न मिलने पर आरक्षण के लिए आवाज उठाने का भी संकल्प लिया। मैं समझता हूं कि इस तरह से स्वर्ण प्रकोष्ठ की भी आवश्यकता है, और इतना ही नहीं, जैसे कि अभी पंजाब में ब्राह्मण वेलफेयर बोर्ड बना है, उत्तर प्रदेश में और अन्य प्रदेशों में जहां जहां भी बोर्ड नहीं बने हैं, जैसे कि SC ST आयोग है, कमीशन है और बोर्ड बने हुए हैं, तो हमारी ये मांग रहेगी कि भारतवर्ष के प्रत्येक राज्य में स्वर्ण आयोग बने या स्वर्ण इस तरह के जो वेलफेयर बोर्ड बने। तो ऐसा हम प्रत्येक सरकार से हमारा निवेदन है, हर सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं कि वो इन बोर्डों के भी गठन करें जी। ताकि हमारे लोगों की, ब्राह्मणों की और स्वर्ण कास्ट के लोगों की भी सुनवाई हो। देखिए, माइनॉरिटी को जो डिसाइड करने का काम है वो सरकार का काम है जी। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों को कहा तो जाता है कि हम बहुसंख्यक हैं, लेकिन बहुसंख्यक नहीं होकर के अल्पसंख्यक हो गए हैं। लेकिन एक तरफ तो हमको अल्पसंख्यक का दर्जा या उसके कोई बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं, और दूसरी तरफ हम अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ दोनों ही तरफ से हमारे ब्राह्मण का और स्वर्ण लोगों का नुकसान हो रहा है। तो सरकार को इस तरफ सोचना चाहिए, ब्राह्मणों के लिए भी कुछ ऐसी नीतियाँ लानी चाहिए, कुछ इस तरह के नियम कानून बनाने चाहिए, बच्चों के लिए ऐसा रिलैक्सेशन देना चाहिए ताकि ब्राह्मण समाज का भी उत्थान हो। क्योंकि गरीब तो हर समाज के अंदर है, ब्राह्मण समाज के अंदर भी ब्राह्मण भी गरीब है, ऐसा नहीं है वो गरीब नहीं है। मेरा इसमें कहना यह है कि ज़्यादातर सरकार प्रलोभन देती है जी। और जब चुनाव का समय आता है वो तरह तरह के एजेंडे अपने फंडे अपनाने की कोशिश करते हैं, और वो कब अपने को ये जताते हैं कि हम ब्राह्मणों के बड़े सहयोगी हैं। अगर वो वाकई सहयोगी हैं, या जो भी प्रांतीय सरकारें हैं या जो भी केंद्र में सरकार है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने जो SC ST Act जैसे काले कानून बनाए हैं कि जहाँ बिना किसी इंक्वायरी किए हुए उन पर जो चार्ज लगा दिए जाते हैं, उनको जेल भेज दिया जाता है, क्या ऐसे काले कानूनों को वो समाप्त करेंगे, या वो अपनी सरकार की ओर से प्रस्ताव केंद्र को भेजेंगे कि ऐसे काले कानून को समाप्त किया जाए, बिना जांच के किसी भी व्यक्ति को जेल ना भेजा जाए। अन्यथा होता क्या है कि जो व्यक्ति अपराधी भी नहीं है उसको जेल भेज दिया जाता है, और वो बिना वजह जेल काट के आता है, और उसकी जमानत भी जल्दी से नहीं हो पाती है। तो ये कानून भी गलत है देश के अंदर, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने इसमें पहले भी कहा था, और फिर पुनः हम ये इस बात इस चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर आप वाकई ब्राह्मणों का भला करना चाहते हैं, तो आप बताएं कि जितना भी आपके विधानसभा या लोकसभा में कितने तो ब्राह्मणों को टिकट देंगे, कितनी उनकी भागीदारी रखेंगे, उसके अलावा जो विद्यार्थी हैं उनको पढ़ाई में क्या छूट देंगे, और साथ साथ क्या क्या उनको आपने अब तक बेनिफिट दिया है, कितने बच्चों को आपने रोजगार दिया है। तो मुझे तो नहीं लगता कि अभी तक सरकार ने ऐसा कुछ किया है। और अगर वाकई सरकार हितैषी है और कुछ करना चाहती है, वो बताएं और स्पष्ट करें जी। कि वो क्या ब्राह्मण के लिए करने जा रहे हैं। देखिए, ब्राह्मणों के साथ हमेशा छलावा होता रहा है जी। चाहे उत्तर प्रदेश हो या अन्य प्रदेश हो, मुझे नहीं लगता कहीं ब्राह्मणों का नेतृत्व है, या उन्होंने ब्राह्मणों को ही अग्रणी श्रेणी में सेना उसमें रखा है, लाइन में रखा है, पंक्ति में रखा है। ज़्यादातर ब्राह्मण जो सक्रिय ब्राह्मण थे उनको भी कहीं ना कहीं पीछे कर दिया गया है। मैं किसी पार्टी विशेष की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मेरा कहना यह है अगर वो वाकई ब्राह्मणों को सम्मान देते हैं, तो ब्राह्मणों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दें, उनको नेतृत्व की क्षमता में लाएं, और ब्राह्मणों के विषय में उनके दिए हुए सुझाव और उनके समाज के बारे में भी सोचें। क्योंकि कोई भी सरकार केवल अपनी ही वोटों से नहीं मिलती है, उसमें ब्राह्मणों की विशेष भूमिका रहती है, ब्राह्मण भी वोट करते हैं उस सरकार को, तब कहीं जाके सरकार बनती है। देखिए, मेरा कहना यह है, ये भारतवर्ष में एक तरह से आज के समय में एक दुर्व्यवस्था है जी। जिसको ठीक होना बहुत ज़रूरी है। आरक्षण की नीति को जरूर आवश्यक रूप से ठीक किया जाए जी। क्योंकि जब हम समान अधिकार की बात करते हैं, समान संविधान की बात करते हैं, समान न्याय की बात करते हैं, तो फिर ऐसा क्यों जी। अयोग्य व्यक्ति की जगह योग्य व्यक्ति की जगह अयोग्य व्यक्ति को अगर आप दे रहे हैं, तो ये राष्ट्र के अंदर गलत हो रहा है। अगर कोई स्वर्ण कास्ट का बच्चा ज़्यादा नंबर लेके आता है और उसकी जगह कम नंबर वाले बच्चे का सिलेक्शन कर दिया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं देश के साथ खिलवाड़ है। इसलिए इस आरक्षण नीति का ठीक होना बहुत आवश्यक है। देखिए, इसका रीज़न मैं यही समझता हूँ कि ये सब जो होता चला आ रहा है, दुर्व्यवस्था जो बनी हुई आरक्षण को लेकर के, वो केवल वोटों के लालच में है। और अगर ऐसा नहीं है और सरकार अगर चाहती है कि वाकई वो आरक्षण खत्म किया जाए, तो हम ये भी नहीं कह रहे कि वो आरक्षण पूर्ण रूप से खत्म करें, और अगर चाहते हैं तो खत्म कर दें, और खत्म भी नहीं कर सकते तो कम से कम इस व्यवस्था को ठीक किया जाए। क्योंकि जो व्यक्ति जो रोजगार पाने लायक है, उसकी परसेंटेज उस तरह की है, जो उस श्रेणी में आते हैं, उन्हीं को ये अधिकार दिया जाए, उन्हीं को रोजगार दिया जाए। ऐसा नहीं कि जो योग्य व्यक्ति की जगह अयोग्य व्यक्ति को लाया जाए, तो ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है।
ये ऐसा केवल दिल्ली के अंदर ही नहीं हो रहा है, ये भारतवर्ष के अन्य प्रदेशों में भी ऐसा हो रहा है जी। और ये एक बहुत ही गलत नीति भारतवर्ष के अंतर्गत चल रही है जी। जब भारतवर्ष में जो भी व्यक्ति मंदिरों से जुड़े हुए हैं, मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, सरकार वहाँ पब्लिक अपना पैसा देती है, तो वो पैसा कम से कम, मैं ये सब भारत सरकार से आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा कि वो पैसा वहीं पर उन मंदिरों के रखरखाव के लिए और मेंटेनेंस के लिए दिया जाए। साथ ही उनमें जो सेवा करने वाले पंडित लोग हैं, जब आप मस्जिदों में मौलानाओं को सैलरी दे रहे हैं तो उनका भी वेतन घोषित किया जाए सरकार की तरफ से, उनको भी वो सारी सुख सुविधाएं दी जाए सरकार की तरफ से जो उन मंदिरों में पंडितों के रूप में सेवा कर रहे हैं। और एक बात विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि पंडितों की जगह अन्य किसी जाति के व्यक्ति को मंदिर में पुजारी बनने का हक नहीं है, उसको पुजारी नहीं बनाया जाए। देखिए, हमारा कहना यह है जिसका कार्य है उसी को अच्छा लगता है, हम सरकार से अनुरोध करेंगे वो ऐसा ना करें। पंडितों का कार्य जो है मंदिरों के अंदर पूजा पाठ करना, कराना, वेद शास्त्रों का ज्ञान देना, उन सब के संबंध में उसको जानकारी देना, तो उन्हीं को रहने दिया जाए, किसी और दूसरे को ये कार्य करने के लिए नहीं दिया जाए। क्योंकि अगर कोई दूसरा व्यक्ति किसी कार्य करेगा तो निश्चित रूप से वो कार्य ठीक नहीं हो पाएगा और ये व्यवस्था खराब हो जाएगी। मैं केजरीवाल जी से निवेदन करूँगा कि वो ऐसा पक्षपात ना करें। दूसरा, जब वो अन्य समाज के वक्फ बोर्ड को या अन्य लोगों को या अन्य कम्युनिटी के लोगों को आप इस तरह का पैसा या फंड दे रहे हैं, तो आपको इन ब्राह्मणों से या अन्य सनातन संस्कृति जो प्रिय जिनको है, जो सनातन धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो उनके साथ ऐसा पक्षपात का आप ना करें और इस व्यवस्था को ठीक करें। अगर आप वहाँ तनख्वाह दे रहे हैं, वहाँ उनको बढ़ावा दे रहे हैं, तो इनको, क्योंकि आपकी जो सरकार बनी है वो केवल उन्हीं की वोटों से नहीं बनी है, आपको सभी वोट करते हैं और इस भारतवर्ष में सभी का समान अधिकार है, सभी अपना अपना हक चाहते हैं, तो आप उनकी तरफ भी ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।